आणि आमच्या रक्तामध्ये सळसळणारा भगवा रंग कधी कुठे कुठे फिका पडू देणार नाही। मनामध्ये माझ तरी आपण उद्धव साहब के साथ जो धोखा हुआ था तब उस समय हनुमान की तरह खड़े हुए थे राजन विचारे जी, उन्होंने तस से मस नहीं हुए, चट्टान की तरह खड़े हुए थे राजन विचारे जी। और जो अपनी पार्टी के साथ निष्ठा रखते हों, जो अपने पार्टी के मुखिया के साथ निष्ठा रखते हों, वो अपनी जनता के साथ जो रिश्ता है और जो निष्ठा है वो पार्लियामेंट में दिखा रहे हैं, इसीलिए बार बार आपका मत जीत रहे हैं। क्यों जरूरी है राजन विचारे जी को जिताना? क्योंकि ये जो सामने खड़े हुए हैं उन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं और दिल्ली में जाकर मुजरा करते हैं। जॉब का एडवर्टाइजमेंट आया का कोई भी अप्लाई कर सकता है पर मराठी नहीं कर सकता है। अरे है कोई माइकल लाल जो मुंबई में मराठियों को नौकरी ना दे या मराठियों को दूर रखने का काम करे? इसलिए शिवसेना का जीतना जरूरी है। जिथे जिथे चोरलेला धनुष्यबाण आहे त्या सर्व ठिकाणी मशालीचाच विजय होणार। ठाण्यातली शिवसेना संपली, माझ्या बरोबर सगळी शिवसेना आहे। मग हे समोर काय आहे? या मनोरमा नगरच्या गल्लीमध्ये एवढे शिवसैनिक आहेत, एवढे आमची माणसं आहेत। तर महाराष्ट्रामध्ये जिथे उद्धव ठाकरे जात आहेत, पोचत आहेत, आम्ही जातोय, हजारो लाखो लोक त्यांच्या स्वागताला, त्यांचा जय जयकार करायला उभे आहेत। राजन विचारे, त्यांची मशाल ही ठाण्यातून सुद्धा पेटून दिल्ली जाईल।